नमस्कार, मैं मनस्कृति स्कूल की तरफ से शालिनी ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अच्छी आदत। इस कहानी में मिन्नी नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। मिन्नी अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं ये फल खा लूँ? माँ ने कहा, नहीं मिन्नी, पहले हाथ धो लो फिर खा लेना। मिन्नी ने कहा, नहीं माँ, मुझे ये फल खाने दो ना। माँ ने कहा, नहीं मिन्नी, पहले हाथ धो फिर खा लेना। माँ ने मिन्नी से कहा, मिन्नी जाओ पहले साबुन से जाकर हाथ धो लो। मिन्नी ने कहा, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। मिन्नी बाथरूम में जाकर हाथ धोती है, लेकिन उसने हाथ धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पानी से ही हाथ धो लिए। माँ ने मिन्नी से कहा, मिन्नी क्या तुमने हाथ साबुन से धोए हैं? दिखाओ तो। माँ ने मिन्नी के हाथ देखे, वह अभी भी गंदे थे। माँ ने कहा, मिन्नी जाओ जाकर साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धो। मिन्नी फिर से हाथ धोने के लिए गई। मिन्नी फिर हाथ धोने के लिए गई, लेकिन अभी भी उसने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया था और वो पानी से ही हाथ धो रही थी। माँ क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? और इस तरह मिन्नी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। इस तरह मिन्नी पार्क में जाती है और अपने दोस्तों के साथ झूला झूलती है। पार्क में जाके मिन्नी बहुत सारी रेत की आकृतियां भी बनाती है और उसके साथ खेलती है। पार्क से खेल के आने पर मिन्नी घर के दरवाजे से ही शोर मचाना शुरू कर देती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो। और इस तरह मिन्नी बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गई। और ये क्या, कीटाणु मिन्नी के खानों के साथ उसके मुंह तक जा रहे थे और यही कीटाणु मुंह के द्वारा उसके पेट में भी जा रहे हैं। और इस प्रकार मिन्नी सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सोते सोते उसके बहुत तेज पेट में दर्द होता है और वो चिल्लाती है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ सुनो ना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी आओ ना। मिन्नी की रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ उससे कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें तो बुखार भी हो रहा है। मिन्नी अब कल तुम स्कूल मत जाना, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कल स्कूल नहीं जा रही हो। लेकिन माँ कल मैं फिर अपने दोस्तों से कैसे मिलूंगी, और कल तो मेरा पेपर भी है। कोई बात नहीं मिन्नी, तुम कल स्कूल नहीं जाओगी, क्या तुमने कल खाने से पहले हाथ धोए थे? नहीं माँ, मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मिन्नी अगले दिन अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। माँ डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब देखो ना मिन्नी को, रात से बहुत तेज बुखार है, कुछ खा भी नहीं रही है और इसके पेट में भी बहुत तेज दर्द है। क्यों बेटा मिन्नी, क्या हुआ, हाथ वाथ नहीं धोती हो क्या, कैसे तुम्हारे पेट में दर्द हो गया? मिन्नी बताओ डॉक्टर साहब को, क्या हुआ तुम्हें? मैं रोज तो हाथ धोती हूँ डॉक्टर अंकल, लेकिन मैंने कल ही नहीं धोए थे, इसलिए मेरे पेट में भी दर्द हो गया। लेकिन बेटा क्या तुम्हें पता नहीं है कि हाथ धोना खाने से पहले कितना जरूरी है? आज मैं तुम्हें हाथ धोने के वो सारे नियम सिखाऊंगा। हाथ धोने का पहला नियम है कि हमें कोई भी लिक्विड हैंड वॉश या कोई भी घरेलू साबुन का इस्तेमाल करना है। हाथ धोने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कलाइयों पर उस साबुन का इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छे से दोनों हाथों को कलाइयों को रगड़ना है। फिर इनको कलाइयों के ऊपर दूसरी कलाई के ऊपर भी अच्छे से हाथ को रगड़ना है। फिर हमें
इस साबुन को अपनी उंगलियों के बीच में लगाते हुए अच्छे से हाथों को रगड़ना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए और अंगूठों के बीच में से हमें साबुन का इस्तेमाल करते हुए हाथों के नाखूनों को भी साफ करना है और अंत में हमें साफ पानी से अपने हाथों को धो लेना है। तो समझे मिन्ने बेटा कि किस तरह अच्छी आदतें हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करती है। धन्यवाद डॉक्टर अंकल, अब मैं कभी भी हाथ धोए बिना कोई भी चीज छूंगी नहीं और घर में सबसे पहले आते ही हाथ धोऊंगी, तभी कुछ खाऊंगी। शाबाश मिन्नी बेटा, लगता है अब तुम सब जान गई हो यह अच्छी आदतों को अपने जीवन में जरूर अपनाना, बहुत अच्छे। और इस तरह मिन्नी अपने जीवन में हाथ धोने की आदत को अपना चुकी थी। अब वह जब भी खेलने जाती और खेलकर जब घर आती तो वो हमेशा हाथ धोती। अब मिन्नी जब भी खाना खाती डॉक्टर अंकल के हाथ धोने के नियमों को हमेशा याद रखती और वह अब पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी थी। और इस तरह मिन्नी ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताई और हाथ धोने के नियम भी समझाए और ये भी बताया कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने जीवन में हाथ धोने की अच्छी आदत को अपना लेना चाहिए। और इस कहानी की यह सीख है कि हमें हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मैं भी यही चाहूंगी कि आप भी हाथ धोने की अच्छी आदत को अपने जीवन में अपनाएं और सभी को समझाएं। इसी के साथ धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।